भाई का सवाल है कि कोई मुसलमान है और उसकी जो है मौत शिर्क पर हो जाती है, से डोरा पहन के मर गया, तावीज में था मर गया, या किसी की बाबा भी की चादर चादर ओढ़ी हुई थी मर गया, तो फिर क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो असल ये होनी चाहिए कि कोई आदमी वाकई हमारे सामने मरा हो, वो ऊपर क्या पहन रखा था, क्या करता था, पहले क्या करता था, वो चीज़ों के ऊपर हम या तो हमारे सामने ही ऐसे कहकर मरा हो या फला और मर गया, तो फिर हम कह सकते हैं। या फिर हमारे साथ में हो, था वो हमारे साथ बस में था और हमको मालूम था कि वहाँ तक भी हम उसको समझा रहे थे, नहीं समझा और फिर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तक भी अगर उसके अंदर हो गया, हमारे सामने बिल्कुल ही मर गया हो, हमारे सामने ही मर गया, मौत हो गई पूरी, या फिर कोई आदमी हमारे सामने मरा हो, तब तो जाकर हम कहेंगे कि हाँ फिर उसके लिए आप फिर मत कीजिए आप उसके लिए। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ आप उसको जानते थे कल तक या दो दिन पहले तक भी जानते थे और वो मर गया और आपको नहीं मालूम कैसे मरा, तो हो सकता है आपने भी समझाया था उनको, आपने दावत दी थी, नहीं माना, हो सकता है कि मौत के वक्त उसको बातें याद आ गई हो और अल्लाह ने उसकी जो है वो तौबा करके मरा हो। तो हमसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि किसी के जो है किसी के लिए तुम बदगुमानी ना रखो, बाज बदगुमानी गुनाह है, तो आप उसके लिए जो है आप बदगुमानी ना रखें। अगर नहीं मालूम है तो आप जो है उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं, अगर वो शिर्क पे भी मरा है तो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। और अगर ऐसा है कि नहीं आदमी, अब इसके अंदर मसला ये होता है कि लोग से सोचते नहीं करना ही नहीं, ना जनाजे में जाना ही नहीं, उसकी नमाज ही नहीं पढ़ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रिश्तेदारों से रोक देते हैं लोग, रिश्तेदारों के अंदर उसके जो है चाचा का इंतकाल हो रहा है, किसी के जो है ससुराल में इंतकाल हो रहा है, वहाँ भी नहीं जाना, जाना ही नहीं, क्योंकि अब इसमें मर गए उसमें, एक तो बदगुमानी रखना, दूसरा है कि आप अगर ऐसा ये सोचते हैं कि नहीं हमारे जाने से नहीं जाना, आप तो तुम्हारे जाने से अगर उसकी जो है मकफिरत होने वाली हो, अगर ऐसा है कि तुम अगर अपने आप को हम कह रहे कि नहीं हम तोहीद परस्त हैं और हमारे जाएंगे तो हम उसकी नमाज जनाजे की नमाज़ पढ़ लेंगे तो मकफिरत हो जाएगी, अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले जाना चाहिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप उसकी मकफिरत, आप दुआ करें उसकी मकफिरत हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमको क्या है, देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं वो कुछ खास लोगों के लिए भी होती है, वो अमल करेगा जो आदमी कौम का बड़ा है, अमीर है, उसके लिए खास हो सकती है, जिस तरह से हमसे कहा गया है कि जो आत्महत्या कर ले खुदकुशी कर ले तो उसके लिए हिकमतन अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनके जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाते थे, जो सूद के अंदर कर्ज छोड़कर मर जाता था तो उसकी जनाजे की नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लम नहीं पढ़ाते थे, तो वो इसलिए नहीं कि हिकमतन, ताकि लोग नसीहत करें आगे कोई सूद ना ले, कोई जो है खुदकुशी ना करे, तो हिकमतन हो सकता है, तो कुछ बड़े लोग कौम के जो है उलमा है वो करें तो ठीक है, लेकिन दूसरे को तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता खुदकुशी कर ली तो बिना जनाजे की नमाज़ का दफना देंगे, उसकी जनाजे की नमाज़ आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे जो, तो ये चीज़ें इस तरह से इसको नहीं लेना चाहिए, हमको कर देना चाहिए और किसी के लिए बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। हाँ वो खास है कि ऐसा ही है बिल्कुल ही कि बिल्कुल हमारे सामने ही है, जो कुफ्र शिर्क में ही मर गया, हमारे सामने इसकी मौत हो गई, तो आप उसके लिए मत पड़े आप उसकी, लेकिन जनाजे में जा सकते हैं उसमें कौन सी रोक है? अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से तो यह मिलता है कि गैर मुस्लिमों के जनाजे जाते अल्लाह के रसूल सल्लम खड़े हो रहे होते थे, अल्लाह के रसूल रिवायतों में मिलता है तो वहाँ हो रहा है। दूसरी चीज़ के हम वो भी तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लम जो गैर मुस्लिमों से ज़्यादा यानी फिरौन से भी अल्लाह ने जिसका जब ये बताया कि जहन्नम में सबसे नीचे गड्ढे में जाने वाले लोग कौन है, मुनाफिक, तो मुनाफिक के ताल्लुक से जब ये अल्लाह ये फरमाया कि ये सबसे नीचे गड्ढे में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मुनाफिक बहुत सारे थे मदीना के अंदर, अल्लाह के रसूल सबका नाम मालूम था पर आपने किसी को बताया ही नहीं, और वो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने आ रहे साथ में, सबसे पहली सब में नमाज़ पढ़ रहे, वो कई कुरान के अंदर कई आयत उनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाई, तो वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर नमाज़, और अल्लाह के रसूल मालूम है किसी को नहीं बताया साहबा, अगर ऐसा होता कि नहीं इन्हीं की जाना ही नहीं है मुनाफिक, क्योंकि ये तो मुनाफिक तो बहुत बड़ा है जो आदमी अगर कुफ्र शिर्क से मर गया, क्योंकि तो आस्तीन का सांप है, काफिर है वो तो हमारे सामने मुखालिफ है, हमको मालूम है, ये तो पता भी नहीं है हमको कि मुसलमान है कि क्या, तो उसके ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया, बता के ही नहीं गए, तो उसके बाद जितने मुनाफिक मरे साहबा गए उनको दफना, साहबा जा रहे हैं तो फिर हमारी क्या हैसियत है, हम किसी के जो मना करके भाई इसके साथ नहीं जाएंगे और ये इसमें मरिया तो नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर वो साहबा ने तो जनाजे की नमाज़ भी पढ़ी, मगफरत की दुआ भी करें, अगर ऐसा होता कि मेरे साहबा ये गुनाह में नहीं जाए तो अल्लाह के रसूल बता के जाते हैं मुनाफिक है ये मर गए इनके मत जाओ, एक साहबा को बताया भी और उन साहबा ने भी नहीं बताया, हज़रत उमर ने पूछा उनसे कि तुमको मालूम है अल्लाह के रसूल सब ने तुमको बता के गए तो हमको बता दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं बताऊँगा, अल्लाह के रसूल ने जो नहीं तुमको नहीं बताया, जबकि तुम तो उस खुलफा राशिदीन में से हो, तुमको नहीं बताया, तो फिर उसके बाद मुझे बता गए यानी अमानत है मैं इसको रखूँगा, उन्होंने नहीं बताया,
तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो नहीं, क्या आपका नाम नहीं है, तो बस। तो वो फिर हज़रत उमर देखा करते थे फिर भले उनके पीछे कि ये जाते कि नहीं किसी जनाजे की नमाज में। तो हमको अगर नहीं मालूम है, तो अगर ऐसा इतना बड़ा मसला होता कि किसी के जाने से इतना बड़ा गुनाह हो जाता जिस तरह से आज रोका जाता है और रिश्तेदारी को ख़त्म कर दिया जाता है इस चीज़ों से, तो होता तो अल्लाह के रसूल वसल्लम फिर हमको इल्ज़ाम देना होगा अल्लाह के रसूल के, वो नहीं बता के और सब सहाबा से मुनाफे की नमाज़ पढ़वाई, इल्ज़ाम कहाँ जाता है, पहले हमको सोचना चाहिए इस तरह से किसी को रोकने और करने से। तो यह है कि हमको सब चीज़ों को सामने रखें, सिर्फ ये नहीं होता कि अब कुरान की आपने आयतें उसको रखना तशरीह उसकी बताना उसके पीछे कुछ वो नहीं, सीरतें हम पढ़ते नहीं और हमारे हिसाब से हम जो है फतावे देने लग जाए, तो ये बात सही नहीं है। हमको इस तरह से जो है जाया जा सकता है, आपको पूरा यकीन है तो आप उसके लिए मगफरत की दुआ ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये हो सकता है। या फिर नहीं जनाजे की तो जाया जा सकता है, किसी की भी जनाजा हो उसमें आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर हम खत्म करेंगे।